हेलो नमस्कार, आप सभी को कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रेनू प्रीति। और बहुत दिनों बाद ये व्लॉग बन रहा है हल्द्वानी से शाम के 5 बजे। आपको नमस्कार, क्योंकि हाँ मैं हल्द्वानी में हूँ। जन्माष्टमी का आज त्यौहार है, आप लोगों ने भी काफ़ी तैयारियाँ इसको लेकर की होंगी, हम लोगों ने भी की हैं। और आज हम शाम को पूजा होती है, हम सभी जानते हैं। हाँ, तो उससे पहले हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी में, बहुत फेमस मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है। आज के दिन जन्माष्टमी में खास तौर पर जितने भी राधा कृष्ण के मंदिर होते हैं, वैसे सभी मंदिरों में बहुत रौनक देखने को मिलती है और राधा कृष्ण के मंदिर में खास तौर पर देखने को मिलती है। तो हम जा रहे हैं हल्द्वानी के राधा कृष्ण मंदिर, मेरा भाई और मैं, और वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कितनी रौनक है जन्माष्टमी को लेकर, कितना, क्योंकि कोविड का दौर अभी भी जारी है, तो ऐसे में क्या कुछ वहाँ पर रह रहा है ये सब हम देखने वाले हैं। और कितना मज़ा आने वाला है वो भी आपको दिखाएंगे। शाम को घर में पूजा होगी, तो सब चीज़ें हम आपको, हाँ थोड़ा सा लेट हो गया, 5 शाम के बज रहे हैं, मॉर्निंग से स्टार्ट करना था लेकिन नहीं हो पाया, पर फिर भी जितना होगा आज के व्लॉग में आप ज़रूर देखिएगा। तो चल रहे हैं अभी हम राधा कृष्ण के मंदिर। शाम को अच्छी खासी भीड़ है और ये कृष्ण राधा की मूर्ति आप देख सकते हैं मंदिर में, सुंदर तरीके से काफ़ी सारे कृष्ण यहाँ पे बन के आए थे। एक कृष्ण जी के साथ मैंने भी तस्वीर खिंचाई। और मुझे इस मंदिर में मेरे भाई का दोस्त मिला जो नई ही कोचिंग से आया हुआ था, तो हमें थोड़ी बहुत बात करते थे, उसके बाद पूजा वगैरह भी की। और यहाँ पर जन्माष्टमी वाला प्यारा सा स्पेशल टीका लगाया मैंने, सभी लगाते जन्माष्टमी पर। और अब हम जो जा रहे हैं आप देख सकते हो ये गुफा है बहुत प्यारी सी। यहाँ पर पहले मुझे लगा था कि राधा कृष्ण का होगा, लेकिन जब हम इसके अंदर गए तो हमें बहुत सुंदर से यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई दिखी। और जो अंदर गुफा जब मैं जाऊँगी आप देखोगे, तो यहाँ पे हनुमान जी का जो बालकाय था, जो उनका पूरा जीवन लीला थी, वो सब कुछ बहुत अच्छे से यहाँ पर दर्शाया गया है और बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। लेकिन पहले आप ये देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर शिव जी भगवान हैं। तो मैं जो सब आपको दिखा रही हूँ मुझे बहुत सुंदर लगा, और हल्द्वानी में बहुत प्यारा सा मंदिर है। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। मंदिर का प्रवेश द्वार है गुफा का, और इसके अंदर काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर आपको दिखाते हैं वीडियो में देख लीजिए। तो ये चित्र जब हनुमान जी जन्म लिए थे, इस धरती पर आए थे, ये वो चित्र जब सूर्य ग्रास उन्होंने किया था और सभी भगवान ने उनको मना किया कि ऐसा ना कीजिए प्रभु। तो ये चित्र है, बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है यहाँ पे। और हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे आपको सूर्य के सामने। सामने एक राक्षसी है, जो जब हनुमान जी समुद्र से लंका जा रहे थे तो उस दौरान जो राक्षसी ने उनका रास्ता रोका था, यहाँ पर जब राम जी से उन्होंने आज्ञा ली थी कि मुझे आज्ञा दीजिए मैं लंका ढूंढूंगा, तो इस तरीके से बहुत प्यारे से तरीके से जो है यहाँ पर हनुमान जी का जो है पूरा वर्णन कर रखा है, उनके बालकाय से लेकर उनके आखिरी जीवन तक का भी। सीता माता को अंगूठी देने का हो, ये चित्र देखिए आप, जब उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माँ को अंगूठी दी थी राम, प्रभु राम की। तो ये चित्र बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है यहाँ पर। आगे इस तरीके से और भी बहुत सारे चित्र हैं हनुमान जी को लेकर, हनुमान जी की जीवन लीला को लेकर। सामने आप देख सकते हैं जब वो असुरों को मार गिराया था उन्होंने लंका में, जब वो सीता माँ की खोज में निकले थे उस दौरान का ये चित्र है।
और आगे आगे अगर आप देखते हैं तो गुफा बहुत प्यारी गुफा, बहुत अच्छे से हनुमान जी का यहाँ पे वर्णन किया गया है, उनकी पूरी जीवन लीला को बताया गया है। ये वो चित्र है जब समुद्र में राम सेतु पुल के बनाया जा रहा था, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे। ये वो चित्र है जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत सुंदर तरीके से, क्योंकि मैं व्याख्या हम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे प्रभु राम, माँ सीता, हनुमान, इन सभी के चित्रों को बहुत अच्छे से यहाँ पर संजोया गया है, संवारा गया है। और ये सारे चित्र हनुमान जी से लेकर प्रभु राम से लेकर सभी को बहुत अच्छे से यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये हैं हमारे प्रसिद्ध हेड़ाखान बाबा जी, ये हैं लटूरिया बाबा जी, और ये हैं सोमवारी बाबा। तीनों को यहाँ पे बहुत अच्छे से बैठाकर उनके बारे में, उनके नाम सहित यहाँ पे लोग जाएंगे तो समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कौन थे तीनों बाबा। और यहाँ पे जो मेरे भाई का दोस्त मैंने आपको बताया था, वो सारे फ्रेंड्स लोग के साथ आ रखा है, तो ये आप देख सकते हैं। और ये सेल्फी लेने का टाइम आ गया था, सेल्फी लेते लेते सेल्फी लेना रुक गया। खैर, आनंद लीजिए इस वीडियो में आप, और कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इस गुफा को लेकर कमेंट कीजिए कैसी लगी आपको हनुमान जी की ये गुफा। एक और तो, एक दो और तो। ओम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। कन्हैया का जन्म होता है बांसुरी बज रही राम भजन होता है, बांसुरी बज रही राम भजन होता है। हाथ में मुरली कमर में रुमाल के भलो लगो छो यशोदानंद लाल। वाह, और ये हमारे कृष्ण जी सुंदर से वस्त्र धारण कर लिए हैं। गाइस 9 बज चुके हैं और अब हम लोग की पूजा शुरू होने वाली है। आपको पता है जन्माष्टमी में तो कृष्ण लीला के, राधा कृष्ण के काफ़ी सारे भजन गाए जाते हैं, हम भी गाने वाले हैं। मेरे पूरे वीडियो में आप सुनेंगे बहुत सारे भजन छोटे छोटे क्लिप्स में। और हमारे साथ बहुत प्यारी और समझदार सी दीदी मेरी आ रखी है हरियाणा से। जन्माष्टमी है आज, जन्माष्टमी टू ऑल। और क्या बोलना चाहोगे? और यही बोलना चाहूंगी कि काफी टाइम बाद, बहुत सालों बाद हम लोग एक साथ पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, अपने बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं। ये बहुत छोटी थी जब मैं इसके साथ आई थी, और योगेश भी अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे, वो भी बहुत छोटा था जब हम लोग आए थे। हम एक साथ बचपन से ही पूजा करते आए हैं, तो आज भी आप देखेंगे कि हम एक साथ भजन गाते हैं, मस्ती करते हैं, और बहुत सारी मस्ती आपको वीडियो में मिलने वाली है आगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल बने रहिए। और दीदी बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत सारे भजन सुनाने वाली। प्लीज़ अगर आप देख रहे हो तो कमेंट में बताना आपको दीदी कैसी लगी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, तो हम शुरू कर रहे हैं। गाइज यहाँ पे बड़े तले जा रहे हैं प्रसाद, और यहाँ पे आलू टमाटर की सब्जी है, और ये मम्मी बना रही है बड़े, अभी खीर भी बनेगी। मम्मी बोल रही है खीर भी बनी, खीर भी बनी है। मम्मी कैसे बनाए बड़े, कैसे कैसे बनाए? पहले उड़द की दाल को पीस लिया मिक्सी में, उसके बाद उसमें पूरा मसाला हींग और अजवाइन मिला लेती हूँ। उसके बाद फिर तेल गरम कर या फिर गोल गोल बना के तल दिए। फिर गोल गोल बना के तल दिए और पूरा
ऑन है, पूरा किचन भर रखा मामी ने खाने से। आज तो हमारी शाम बहुत अच्छी जाने वाली है। इस जन्माष्टमी पर मैं बहुत लगभग 3 साल बाद में मामी के साथ हूँ और इतना अच्छा लग रहा है, घर का माहौल लग रहा है। मामी ने 3-4 सब्जियाँ बनाई हैं, बड़े बनाए हैं, अभी हम पूरी बनाएंगे और खीर भी बनी है। और इतना सारा तो प्रसाद ही है कि प्रसाद खाकर ही पहले पेट भर गया और उसके लिए खाने के लिए जगह बनानी पड़ रही है पेट में। मम्मी तो, की तारीफ करी, मम्मी अपने चैनल का खोल दे, यूट्यूब में खाने बनाने वाला है। बिल्कुल, अगर खोल देंगी ना तो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वहीं जाएंगे, क्योंकि रियली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सबसे ज़रूरी चीज़ जो उसमें प्यार होता है ना खाने में, वो मिलता है। तो आगे दिखाएंगे हम आपको क्या क्या खाना मामी ने बनाया। सुबह हो चुकी है और कल रात हम लोग ने खाना वाना खाया, तो उसके बाद काफ़ी देर हो गई थी, तो मैं वहाँ पे अपना ब्लॉग एड नहीं कर पाई। लेकिन अभी मैंने लगभग उठ के फटाफट से अपना लगभग ब्लॉग एडिट कर दिया, ये वाला पार्ट एडिट करना बचा है, तो जल्दी से मैं इसको एडिट करती हूँ और उसके बाद दिन तक आपको मेरा ब्लॉग देखने को मिलेगा। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग, पूरे ब्लॉग में काफ़ी कुछ मैंने आपको दिखाया, सबसे अच्छा जो पार्ट था वो कौन सा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मेरी बहुत सारी वीडियोस, क्योंकि कभी कभी बनाती हूँ, रोज़ तो बनाती नहीं, तो कभी कभी ज़रूर देखें। और कैसी लगती हूँ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नमस्कार सभी बड़ों को और बाय बाय।